नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हम लोगों का विषय है वो है मीन राशि। मीन राशि जो है वो राशि चक्र की आखिरी राशि होती है, 12वीं राशि होती है। 12वीं राशि होने के साथ साथ मित्रों, मीन राशि जो होती है वह उसका जो मालिक होता है, जो उसका स्वामी होता है, वो होता है गुरु। बृहस्पति की ये दूसरी राशि होती है। पहली राशि जो होती है बृहस्पति की वो धनु राशि होती है। मित्रों, आपको अगर आपने सुना होगा मेष राशि के मेरे वीडियो में, तो जैसे मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि होती है, उसी तरह मीन जो है राशि चक्र की आखिरी राशि होती है। मित्रों, आखिरी राशि होने का मतलब क्या होता है? मित्रों, पहली बात तो हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ जो मीन राशि के बारे में हम आपको बताएंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई किताबी बात आपको नहीं बता रहे, अनुभव की बात बताएंगे और रिसर्च के अपने जो भी हम रिसर्च करते रहते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे उसके संदर्भ में। तो मित्रों, जिस तरीके से मेष राशि के बारे में हमने आपको बताया था, उसी तरह से मीन जो है वो आखिरी राशि है राशि चक्र की, 12वीं राशि है। जिस तरह से मेष राशि का जो जातक होता है उसमें बचपना जीवन भर रहता है, उसी तरह मीन राशि का जो जातक होता है वो पैदा होते ही बुढ़ा होता है। बुढ़ा मतलब मानसिक रूप से ये लोग बहुत मेच्योर होते हैं, जो मीन राशि के लोग होते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा भी होगा मीन राशि का, वो भी जो है मानसिक रूप से, क्योंकि वो मैच्योरिटी आ जाती है। 12वीं राशि है, आखिरी राशि है, तो जो राशि चक्र है वो पहले से शुरू हो रहा, 1, 2, 3 आते आते, तो वो पूरा अनुभव कर चुका है सब कुछ, पैदा होने से लेके एक नंबर से, पैसा, मित्र, दोस्त, घर, परिवार, शिक्षा, बीमारी, पत्नी, चोट चपेट, एक्सीडेंट, मतलब 8वां खाना, मृत्यु, वो आपका भाग्य, धर्म, तो सारी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से वो गुजर के आ रही है 12वीं राशि। तो 12वीं राशि का जो व्यक्ति होता है वो पैदा होते ही मैच्योर होता है, जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसको दुनिया का बड़ा ज्ञान होता है, तो उसके सारे काम में जो अनुभवी आदमी होते हैं उनके जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपको वो उनका अनुभव छलकता मिल जाता है। इसी तरह से मित्रों मीन राशि के साथ होता है कि मीन राशि वालों के हर काम में आपको लगेगा कि यार ये मतलब बहुत वो मैच्योरिटी से कोई काम करते हैं। मीन राशि का जो चिन्ह होता है वो दो मछलियां होता है, दो मछलियां जो कि वे एक दूसरे के पीछे आप देखे होंगे कि घूम रही, इस तरह से बनी होती हैं पूंछ से। इनका भी यही हाल होता है, ये बड़ा सोच विचार वाले, काल्पनिक दुनिया में रहने वाले, अपने आप में रहने वाले, ये बहुत जो दुनिया की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत वो नहीं करते। मीन राशि का आप ये देखेंगे, एक बच्चा भी होगा अगर छोटा सा, अगर मीन राशि मजबूती से है, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो मीन राशि का जो बच्चा होता है पहला वो ये देखता है कि मेरा जो मामला है, मेरा काम जो है वो हो जाए, जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं टू द पॉइंट वाला, फिर उसके बाद ठीक है भाई सब अपना। अब इस तरह के लोग जो है कल्पना की दुनिया में रहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, या तो इस तरह के लोग बहुत सक्सेस होते हैं या तो एकदम फेल हो जाते हैं। मीन राशि वाले दो तरह के होते हैं, या तो बहुत धार्मिक होंगे या तो पूरे तरह से नास्तिक हो जाते हैं। मीन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका रोमांस में भी यही हाल होता है, बड़ा मैच्योर रोमांस होता है उनका, उनको बहुत ज़्यादा वो बचपना रोमांस में नहीं चाहिए होता। मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं
बहुत सारे तो उसमें इस तरह के होते हैं, काफी सारे व्यक्ति आपको मीन राशि के इस तरह के मिल जाएंगे जो कि धर्म और अध्यात्म में एकदम डूब जाते हैं। और मीन राशि के काफी आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि मीन राशि वाले इस तरह के व्यक्ति हो जाए जिनके लिए धर्म अध्यात्म कुछ होता ही नहीं, वो पूरे नास्तिक होते हैं। तो वो क्या है कि वो पूरा जो उनका अनुभव है, क्योंकि व्यक्ति का एक जन्म नहीं होता है, बहुत सारे जन्म होते हैं, तो पूरा जो उनका अनुभव जिस प्रकार का रहता है उसी प्रकार से वो व्यक्ति जो होता है वो वहां पे पहुंचता है, वहां पे वो बन जाता है। लेकिन मीन राशि के लोग आपको एक चीज और है कि बड़े मिस्टीरियस टाइप के होते हैं, बहुत रहस्य अंदर अपने रखे रहते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं। इन लोग जो होते हैं सामान्यतः पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, टीचर होते हैं, पढ़ाई लिखाई में इन लोगों का बड़ा अपना वो रहता है, कमांड रहता है। इस तरह के लोग रिसर्च वगैरह बहुत अच्छी करते हैं, और अगर कोई इस तरह की रिसर्च है, अकल्ट साइंस से संबंधित है, अगर कोई इस तरह की रिसर्च है जहाँ पे कि अध्यात्म से कुछ संबंधित है, तो इस तरह की रिसर्च में इनका और बहुत मन लगता है। मित्रों, मीन राशि के जो लोग होते हैं वो चूंकि इंट्रोवर्ट भी होते हैं, काफी अंतर्मुखी होते हैं, और उसी के साथ साथ जो है वो देश दुनिया से जो है वो थोड़ा सा अलग होते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि मीन राशि वाले लोग अक्सर जो है वो नशे के चक्कर में आ जाते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, और इसके मीन राशि के जो लोग होते हैं वो खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं। मीन राशि वालों के साथ एक और चीज होती है काफी मीन राशि वालों के, कि उनके हाथों के हथेलियों में से पैर के तलवों में अक्सर पसीना आता रहता है मीन राशि वालों के, और अक्सर जो है मीन राशि वालों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। ब्लड प्रेशर के ये पेशेंट होते हैं कुछ लोग, लेकिन सामान्यतः जो है इस मीन राशि वाले जो लोग होते हैं वो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं। मीन राशि वाले जो लोग होते हैं उसके अलावा उनको पेट के लिए भी थोड़ी समस्या जो होती है वो बनी रहती है, चूँकि खाने पीने के शौकीन रहते हैं, मादक पदार्थों के भी शौकीन होते हैं, तो इसलिए भी जो है उन लोगों को थोड़ा सा एक पेट की समस्या भी हो सकती है। साथ ही साथ मित्रों, चूंकि खाने पीने के शौकीन हैं तो वजन से संबंधित समस्याएं भी इन लोगों को लगी रहती हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस तरह के लोग पढ़ने लिखने में जो होते हैं ना बड़े अच्छे होते हैं, ज्ञान बहुत होता है, तो उस तरह के लोगों को क्या होता है कि लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर इन सब चीज़ों में काफ़ी जाते हैं। काफ़ी मीन राशि के जो लोग होते हैं वो लोग कोर्ट में, कचहरी में लायर की तरह इस तरह के भी काम काफ़ी लोग करते हैं। बाकी मीन राशि वाले जो होते हैं वो हर क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि गुरु की राशि होने की वजह से डॉक्टर भी होते हैं। कुंडली में स्थितियां अगर बन जाती हैं तो शनि की, मंगल की, तो इंजीनियर भी हो जाते हैं। लेकिन सामान्यतः ये इस तरह के लोग जो होते हैं वो कानून में, न्याय में, टीचर में, प्रोफेसर में, इस तरह के लोग, ज्ञान बांटने वाले लोग जो होते हैं उन लोगों में इस तरह के लोग होते हैं। मित्रों, मीन राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति जो है अगर अपने ध्यान देना है तो पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में इन लोगों को काफ़ी ध्यान देना चाहिए, काफ़ी संभल के रहना चाहिए। मित्रों, मीन राशि वालों को संक्रमण जल्दी हो जाता है, उनके मीन राशि वालों की जो शरीर होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो इसलिए मीन राशि वालों को इस चीज़ को पे हमेशा ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ का हमेशा बढ़ाना चाहिए अपनी कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाए, और किसी भी तरीके का जो नशा है या इन सब चीज़ों के अगर वो आदि हैं तो उनसे दूर होना चाहिए, अगर नहीं भी आदि हैं तो इन सब से दूर रहना चाहिए, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कितनी जल्दी ज़्यादा बढ़े उसकी ओर प्रयास करना चाहिए। मित्रों, मीन राशि वालों को फेफड़ों से संबंधित समस्या, अस्थमा, दमा, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं,
तो इन लोगों को इसीलिए जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको खाने पीने से थोड़ा दूर रहना चाहिए और इस इन बीमारियों की तरफ जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उनके लिए अगर आप कैरियर की बात करें या उनका रोजगार की बात करें तो इस तरह के जो जातक होते हैं तो इस तरह के जातक जो खोज की होती है चीज़ें, जो अनुसंधान की चीज़ें होती हैं, इसके जातक जो होते हैं डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होती हैं, इस तरह के जो जातक होते हैं वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं और ठेकेदार होते हैं, कला के क्षेत्र में, इस तरह के क्षेत्र में अगर होते हैं, जहाँ पर भी जो लोगों का जहाँ पे बहुत से लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करना है, अगर उनके मन में इस तरह की कुछ चीज़ है तो ज़रूर प्रयास करना चाहिए। वहाँ पे भी वो लोग काफ़ी सफल होते हैं। वो अब अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों समझ गए होंगे कि इस तरह के जो जातक होते हैं बहुत ही किसी चीज़ के पीछे पड़ जाने वाले होते हैं, सफलता के पीछे पड़ जाने वाले होते हैं। तो अगर आप अपनी अच्छाइयों को बढ़ाएंगे और बुराइयों को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी सफलता की गारंटी होती है। इसलिए राशि एक बहुत अच्छी राशि है, बस थोड़ा सा आपको अपने अंदर चेंज लाने का प्रयास करना है। आपको दिक्कत आएगी चेंज लाने के प्रयास में, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप चेंज लाते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपका जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखद और साथ ही साथ एक अच्छा व्यक्ति के तौर पर आपको याद करने वाला जीवन हो जाएगा। मित्रों, इसी के साथ मीन राशि के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नई राशि में आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।